मार्क्स दे रही है, आपके मीटर हम बैक टू बैक चलाते रहेंगे। पीयूष खंबाटा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पीयूष जी, पीयूष खंबाटा माफ कीजिए, पीयूष सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर आप मेरे को जरा बजट की फाइन ट्यून्स बताइए, आपने क्या पढ़ा बजट में? हमने सबसे बड़ा पढ़ा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एग्री डेयरी इनको जो रियायत देनी थी उनको और भी पैसे दिए गए हैं डेवलपमेंट के लिए। तो मेरे हिसाब से लाइक द फाइनेंस मिनिस्टर राइटली स्टार्टेड कि आज अगर इंक्लूसिव ग्रोथ होना हो तो सबका ग्रोथ होना है, उसमें जो एग्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो फिशरीज से लोग जुड़े हुए हैं, डेयरी से लोग जुड़े हुए हैं, वहां तो ज्यादा महिलाएं ही हैं, तो उनको कैसे हाथ में ज्यादा पैसा है उसके लिए उनका डेवलपमेंट, और ये जो एलोकेट किए फंड्स इन प्रीटी हाई अमाउंट उससे डेफिनेटली फायदा होगा। सेकंड, खाली लॉजिस्टिक की बात नहीं हुई है, ब्रांडिंग की बात भी हुई है, और मैं हमेशा मानता हूं कि ब्रांडिंग में भी पैसा लगना चाहिए, बिकॉज आज हम जब फॉरन के मार्केट में जाते हैं और मेक इन इंडिया अधूरा है, जब तक मेक इन इंडिया को फॉरेन में फूड फ्रॉम इंडिया नहीं लिया जाए, और जब फॉरेन में ला जाते हैं तो ब्रांडिंग का बड़ा महत्व है। तो जो बात की है कि ब्रांडिंग में भी हम लोग वहां भी पैसा लगाएंगे वो बहुत अच्छी चीज है। सेकंड, मेरे को डेफिनेटली लगा कि जो टैक्स पेयर में कॉन्फिडेंस दिया है गवर्नमेंट ने, और जो बोला है 25,000 तक हम आपके जो पुराने जो डिस्प्यूट है उसको माफ करेंगे, एक जात का ये भी बड़ा अच्छा स्टेप है, बिकॉज ऑल सेड एंड डन ये जो कॉन्फिडेंस मेजर्स से ही हमको भी एक इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस आता है और टैक्स पेयर को भी कॉन्फिडेंस आता है। थर्ड, जो पूरा जो मेरे को भी लग रहा है कि जो इंडिया स्ट्रेटेजी फर्स्ट है, ये जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जो हम FTA कर रहे हैं और प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हैं, उसपे बहुत बहुत पास्ट में ऐसा देखा गया है कि इंडिया के जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो कम कम देखे हैं। आज की तारीख में भी जो हमने 10 साल पहले 15 साल पहले जो FTA किए थे काफी नेशन से, थाईलैंड है, सार्क कंट्रीज है, उनके माल इंडिया में बिल्कुल टैक्स फ्री आ रहे हैं, हमारे माल जा नहीं सकते वहां पे, इससे एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी को फायदा नहीं है, मेक इन इंडिया को बिल्कुल फायदा नहीं हुआ है। और ये देख के जो भी हम फ्यूचर में टैक्स ट्रीटियां करेंगे उसमें ये ध्यान में रखेंगे, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो, PTA अग्रीमेंट हो, इंडिया का पहले फायदा होवे, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का फायदा होवे, और इंडिया को एक रियल ग्लोबल क्या बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड मैप में एक जगह मिले, ये बड़ा पॉजिटिव मूव देख रहा हूं। बाकी मेरे को ये पॉजिटिव लग रहा है पूरा कि जो वुमन को एक स्पेशल मैं तो आपसे पता करनी थी, आप मार्क्स कितने दोगे? पॉइंट्स तो आपने टेकन, पॉइंट्स तो आपने अच्छे से बता दिए सर, मार्क्स कितने दोगे आउट ऑफ 10? 10 में से कितने मार्क्स दोगे FM को? सर कभी कभार मौका मिलता है मार्क्स देने का भी, ऐसे नहीं मिलता, आपको पता ही है बड़ा वीक आदमी ये हम लोग मार्क देने में काफी वीक करते हैं, और ये एक्चुअली इंटरिम बजट है, इसमें तो कोई ज्यादा मार्क भी नहीं पाऊंगा मैं, अगर वो नॉर्मल बजट है तो कोई मार्क दे पाता प्लस माइनस के, तो ये तो पॉजिटिव है, मैं तो कहूंगा 10 out of 10 है, बिकॉज ये एक जात का अभी इंटरिम बजट है, तो मेरे को इसमें कोई ज्यादा कोई नेगेटिव नहीं दिखा वेरी फ्रेंकली, इसलिए दिस वॉज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन। 10 marks दिए हैं। मैं आपके साथ जो बैठे हैं अशोक सहगल जी, उनका भी स्वागत करूंगा। अशोक सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर आप मेरे को बताइए आपने बजट के अंदर क्या रीड किया, और साथ ही मार्क्स भी बता दीजिएगा सर। हाँ जी, इसमें ये है कि जो मैंने देखा कि उन्होंने जो स्किल डेवलपमेंट की बात की है, जो MSME सेक्टर है उसको पीछे रोकने के लिए ये है कि हमें अच्छे आदमी चाहिए जो कि स्किल्ड हों और ट्रेंड हों, तो उसमें वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई स्किल डेवलपमेंट हम करेंगे, यूथ का करेंगे, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का करेंगे, और जो रूरल एरियाज में करेंगे, क्योंकि जो माइक्रो एंटरप्राइज हैं और स्मॉल एंटरप्राइज हैं वो बड़े शहरों में तो हैं, पर जो छोटे शहरों में हैं वो अलग ना रहें, और वो भी इसी हमारी इकोनॉमी के एक इकाई बने जो कि अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट का ध्यान है, ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात के जो उन्होंने कहा कि मुद्रा लोन इतने ज़्यादा सैंक्शन किए हैं, क्योंकि छोटी इकाइयों को यही हमेशा तकलीफ होती है कि हमें ऋण कहाँ से मिलेगा, पैसे कहाँ से मिलेंगे, ये भी फाइनेंस मिनिस्टर के जहन में है और वो देख रही हैं कि इनको कैसे सहूलियत की जाए। एक और बात है कि सब कहते हैं कि MSMEs करीब 40% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, अब ये जो एक्सपोर्ट कॉरिडोर की बात है इससे भी बहुत फायदा होगा। ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि वो अपना एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंडिचर लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी एक्सपेंसेस में बरकरार रखेगा, ये बहुत ही जरूरी है। कोविड के बाद इन्होंने काफी बढ़ोतरी दी इस ये एक्सपेंडिचर को, और धीरे धीरे ये नीचे छोटे इकाइयों तक भी पहुंचता है, डायरेक्टली वो गवर्नमेंट से चाहे ना बिजनेस कर रहे हों, जो इंटरमीडिएट कॉरपोरेट्स हैं
उनसे जब ये बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट खरीदेगी तो इंटरमीडिएट बिजनेस तो लार्ज कॉर्पोरेट्स को मिलेगा और वो इन टर्न एमएसएमई से खरीदेंगी, तो ये सबका फायदा इसमें है। और मैं यही चाहूंगा कि जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो डेफिसिट है उससे वो संतुष्ट हैं और अगले साल इसको रिड्यूस करेंगे, वो तो बहुत अच्छी बात है, इससे इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल में आएगी, पर यही हम उम्मीद रखते हैं कि उसकी वजह से अपना जो खर्चा है वो गवर्नमेंट कम ना करे ताकि पूरे इकोनॉमी को स्टिमुलस मिलता रहे, ये मेरी उम्मीद है आगे जाके। तो बता दो आप कितना देना चाहते हैं एफएम को, एफएम हमको मार्क्स देती है, आज पहली बार हमको मौका मिल रहा है हम एफएम को मार्क्स दे रहे हैं। सर कितने लोग हैं मार्क्स आउट ऑफ 10? जी वो तो जी 10 out of 10 देना पड़ेगा क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था जो उम्मीद थी वो पूरी हुई है, और जैसे कोई हमें गलत उम्मीद नहीं थी कि बहुत बड़े टैक्स रिलीफ मिलेंगे इस इंटरिम बजट होने के वजह से, तो कोई नेगेटिव मार्किंग मैं नहीं दूंगा। तो जितने उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनमें तो 100% मार्क्स उनको मिलने चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अशोक जी और खंबाटा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला, अपनी बात रखी अपने और अपने मार्क्स भी दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।